हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद सब दोस्त अच्छे होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऑर्गेनिम सीजर का रिव्यू। आज की वीडियो में इस सीजर की मैं आपको क्वालिटी बताऊंगा, इसका यूज बताऊंगा और क्यों आपको इसको बाय करना चाहिए उसके बारे में आपको बताऊंगा, और क्यों मैंने इसको बाय किया है, रीजन क्या है उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप इसकी पैकेजिंग देखो। पैकेजिंग कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है, काफी अच्छी एकदम प्रीमियम सी जो है ना इसकी पैकेजिंग बना रखी है। ऑर्गेनिम केयर प्रोडक्ट की बैजिंग आपको इधर मिलती है, सीजर की इधर मिलती है, वो एक इस तरीके से है कि सीजर बना रखी है, ठीक है ना। बार्बर सीजर इसको आप कह सकते हो, जो सैलूनों में, जो नाई की दुकानों में इसका यूज किया जाता है। बात करें प्राइजिंग की, तो इस पे जो प्राइज मेंशन हुआ है 499, लेकिन मैंने इसको फ्लिपकार्ट से बाई किया अपने पैसों से 207 रुपये में। 30 रुपये का मेरे को पता नहीं कोई कूपन मिल गया था, बिग बिलियन डे सेल में मैंने कुछ सामान खरीदा होगा तो 30 रुपये की छूट हुआ पड़ गई थी, तो 237 रुपीज़ का ये मिल रहा था, 30 का मेरा कूपन लग गया, तो 207 रुपये की मेरे को ये सीजर पड़ी है। जैसे ही आप बॉक्स में से निकालोगे तो इसमें दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो एक कॉम्ब है, कंघा जिसको बोलते हो, काफ़ी अच्छा है अपनी दुकान के लिए, अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हो। क्वालिटी बेहतरीन है, हल्की क्वालिटी नहीं, फ्लेक्सीबल है, ईजी टू यूज़ है, अच्छी तरीके से आप कैरी कर सकते हो, टूर वगैरह पर लेके जा सकते हो। मैं ये बता रहा हूँ जो बार्बर में जिनको यूज नहीं करने, घरेलू जो इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहता ना, घर में यूज करने के लिए, दुकानों में यूज करने के लिए, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मेन प्लस जो क्या होता है, मेन प्रोडक्ट है ये सीजर। ये इस टाइप की जो है पन्नी में लग के आती है, काफी हार्ड सी जो है, इसको आप ऐसे टांग सकते हो, ये इधर के लुक समझा इस तरीके से ये फोल्ड होके इसमें आती है। देखो ऑर्गेनिम सीजर की बैजिंग आपको इधर मिलती है, और पीछे साइड आप ये पता कर रहे होगे भाई, ऐसा लग रहा है जैसे पित्तल नहीं है, ये गोल्ड कलर का जो पेंट है ना वो कर रखा है। क्यों कर रखा है उसके बारे में देखो, अगर ये पित्तल होता तो इधर से घिसा रखा तो लोहा निकल के नहीं आता, पित्तल आता। इधर से भी घिसा रखा तो ये जो है ना, ये पित्तल नहीं है, लोहा। देखो पीछे इस टाइप से ये रहती है। बाकी ओवरऑल जो है ना काफ़ी हैवी है, वेट कम से कम इसका होगा 80-90 ग्राम तो लगभग होगा, ठीक है ना। तो मैंने इसको क्यों बाय किया है दोस्तों, मैंने बाय इसलिए किया गया है, मैं अपनी दुकान पे जो मेडिसिन होती है, अपना एक मेडिकल स्टोर है, आपको नहीं पता होगा, तो इस टाइप की जो सीजर है ना वो यूज़ करता था। ये 2-3 महीने में टूट जाती थी। टूट क्यों जाती थी, ये जैसे कोई भी दवाई है, आपको दिखाता हूँ, कॉम्बी फ्लेम का पत्ता है, ये 2-2 पत्ते, जैसे किसी को 4 गोली चाहिए तो ये ऐसे काट के देनी पड़ती है। ये क्या होता है, कुछ महीने के बाद जो है ना इसकी ये जो धार है ये ख़त्म हो जाती है, फिर इनको थोड़ा सा ऐसे मोड़ मोड़ के काम चलाना पड़ता है, तो फिर ये भी काम करना बंद कर देता है, तो फिर ये कई इधर क्या होता है, पट्टी वट्टी करते ना, जैसे ये पट्टी हुई, देखो ये पट्टी हुई, इसको अगर काटना हो तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है काटने में। जैसे ये है, ये अभी तो नहीं है, ये ऐसे कट जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद है ना ये दुखी करना बड़ा शुरू कर देती है, और ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो प्लास्टिक टूट जाता है। 30-20 रुपये की आती है, इससे थोड़ी अच्छी क्वालिटी की आती है 60-70 रुपये की, वो मेरी बहुत ज़्यादा टूटती है, तो उसको देखते हुए मैंने इस मेटल की जो सीजर है वो मंगाई है। कहने का मकसद ये है, अगर आपकी कोई भी दुकान है, मेडिकल स्टोर है, कोई भी कॉस्मेटिक की दुकान है, जिससे आप कोई कटिंग करते हो, ऐसा कुछ भी XYZ कोई भी बिजनेस आपका, या घर में आप बाल काटते हो, जैसे कई बार क्या होता भाई घर में ही शेविंग वो कर लेते हैं, जैसे मूंछों को सेट करना हुआ, बियर्ड को सेट करना हुआ, नोज के बाल काटने हुए, कान पे बाल आ जाते हैं उसको काटने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ, ये मेरे हैंड्स पे बाल है, इसको जैसे मेरे को कट करना है ना तो इसको इस तरीके से कट हो जाता है, जैसे ये कट, ये बाल है ना ये वाला, इसको मैं कट करके आपको दिखाता हूँ, देखो कट हो गया ना, ये देखो। तो ये बहुत मल्टीपल यूज जो है इसका रहने वाला है। कहने का मतलब ये है, देखो भाई मेटल का प्रोडक्ट है, हैवी प्रोडक्ट है, ये खू जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा, क्योंकि 5-10 रुपये में इसकी धार लग जाती है, हर शॉप पे या कोई भी गांव गलियों में आ जाता है, साइकिल पे आता है ना जो कंचियों को टाइट करता है, मतलब पैनी करता है, शार्प करता है, वो 10-5 रुपये लेता है, या कोई रेती होती घर पे तो रेती को भी अगर आप घसा दोगे, ऐसे लगा दोगे या इस तरीके से कर दोगे तो ये काम बढ़िया कर जाती है।
हैवी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत इसके यूज होते हैं। सीजर एक ऐसी चीज है, इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हो, अपने हेयर्स कट करने में, अपने कुछ भी चीज कट करनी है आपको, जैसे कोई कपड़ा कट करना है, कोई कागज कट करना है, या कोई दवाई कट करनी है। कई घरों में दवाइयां होती है, कोई मांगने वाला आ गया भाई चार गोली दो गोली दे दो, काट के फटाफट दे दी। एक चीज 100 काम आते हैं और वो भी अच्छी मेटल है, ठीक है ना। ये जी दोस्तों ऑर्गेनिम सीजर की डिटेल वीडियो। अगर आप इसको बाय करोगे फ्लिपकार्ट से, मैंने इसको बाय किया है, तो 200 रुपये के आसपास ये मिल जाती है, 200-250 रुपये के आसपास की। मेरा तो कूपन लग गया था तो इसलिए मैंने ये मिल गई थी। बाकी ये कंघा इसमें कॉम निकल के आया, ये भी ठीक है। देखो यार आज तो हाथों के बाल ना काफ़ी काम आ गए मेरे। देखो जिस जिस भाई के हाथों पर बाल है वो नीचे कमेंट जरूर करें। देखो अच्छी चीज़ है, इधर से कर रहा हूँ। देखो ओके रिपोर्ट है यार, 200 रुपये में आपको घर बैठे सीजर मिल गई, हैवी एक कॉम मिल गया कंघा, और क्या चाहिए भैया। मेरे को तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा, पैसा वसूल चीज़ मेरे को लगा है। अगर आप भी इस चीज़ को खरीदने के इंटरेस्टेड हो तो फ्लिपकार्ट पे जाके आप बाय कर सकते हो। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है दोस्तों, अपने पैसे से मैंने इसको बाय किया है। चलो मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, लव यू ऑल, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।